हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल्स मूवी के बारे में। अब पूरा एक साल हो चुका है इस मूवी के आए हुए और लोग इसे आज भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक इटर्नल्स कुछ नया लाती है टेबल पे और ये चीज स्पेशली क्लोई जाओ के इन्वॉल्वमेंट से हुआ है। इटर्नल एक बेहद खूबसूरत मूवी है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो इंसानी प्रवृत्ति के बारे में, जिसके वजह से ये यूजुअल सुपर हीरो मूवी से काफी अलग है। ये मूवी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है और ऐसे थीम्स एक्सप्लोर करती है विच पुट दिस मूवी वे अबव अदर मार्वल मूवीज। और मैं समझ पाता हूँ कि क्यों केविन फाइगी ने इस मूवी के लिए ग्रीन लाइट की। क्लोई ज़ाओ ने खुद केविन फाइगी के सामने इटर्नल्स मूवी का पिच दिया था, बिकॉज वो खुद इटर्नल्स कॉमिक्स की बहुत बड़ी फैन है। ये प्रोजेक्ट उन्होंने पिच किया था केविन फाइगी को विलियम ब्लेक की इस पोयम के अर्जरीज ऑफ इनोसेंस के साथ, जहां पे उन्होंने कहा था, टू सी अ वर्ल्ड ऑफ ग्रेन इन सैंड, द हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्डिंग इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड द इटर्निटी इन अ आवर। अब ये पोयम यूज किया था क्लोई ज़ाओ ने इस मूवी का स्कोप बताने के लिए, जिसका मतलब होता है कि एंडलेस ब्यूटी और ब्रह्मांड का सच जान सकते हैं आप सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ सैंड को देखकर। क्लोई ज़ाओ इस मूवी के थ्रू ह्यूमैनिटी के लिए एक केस बना रही है कि क्यों हमें एग्जिस्ट करना चाहिए, इवन दो अनंत ब्रह्मांड में हम बस एक छोटे से कण हैं। और ये स्ट्रगल्स हम इटर्नल्स में भी देखते हैं, जहां हर एक इटर्नल इससे डिफरेंटली डील करता है या फिर क्या प्रोसेस करता है। और आई थिंक यही वजह है कि लोग इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एमसीयू हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मैंने 5 पार्ट में वीडियो को बांट रखा है, जिसमें से 2 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और 3 अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना अर्थ को डिस्ट्रॉय किए चलिए शुरू करते हैं। इटर्नल्स अर्थ पे आए थे एक पर्पस के साथ कि उन्हें इंसानियत को बचाना है डेवियंट से, और उन्होंने ये किया थ्रू आउट द हिस्ट्री। सो ह्यूमन इन्हें गॉड समझने लगे, जिनको आसमान से भेजा गया था, और जहां भी वो गए उनको गॉड के जैसा पूजा गया। बट ये सब बदल गया समय के साथ, जब ह्यूमंस इतने कैपेबल हो गए कि वो खुद को बचा सके। टोनी, जो कि एक इंसान था, उसने पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर को यूज किया और आधी पॉपुलेशन को वापस ला के जन कल्याण किया, ना सिर्फ अर्थ का बल्कि पूरे यूनिवर्स का। अगर ह्यूमन गॉड जितने पावरफुल हो जाए तो फिर गॉड क्या है? इटर्नल्स का जो पर्पस था वो कब का खत्म हो गया था, क्योंकि डेवियंट्स मर चुके थे। अब इटर्नल्स को एज ह्यूमन रहना पड़ रहा था, जहां सारे इटर्नल्स ह्यूमन बनने के बाद से एक डिफरेंट वे में खुद को एक्सप्लोर करते हैं। जहां सर्सी ह्यूमैनिटी से प्यार करती है, वहीं ड्रिग ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी से बचाने में लगा रहता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि ह्यूमैनिटी का एंड इनेविटेबल है अनलेस वो सबको सही रास्ता दिखाए। गिलगमेश और थीना ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आउटसाइड प्रेडेटर से, वहीं स्प्राइट ह्यूमैनिटी से जेलस फील करती है, क्योंकि ह्यूमंस के एज बढ़ सकते हैं और इसके नहीं, इसीलिए वो उनके साथ मिलजुल नहीं सक रही थी। और एक चाइल्ड फॉर्म में वो फंस चुकी थी, जिसके वजह से वो कभी भी प्यार नहीं खोज सकती थी, और यही रीजन था कि एकारिस भी उसे कभी नहीं अपनाया एज लव इंटरेस्ट। अब बचे मकारी और एजैक, तो वो ह्यूमैनिटी की रेस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली मतलब कि इटर्नल से ज्यादा प्यार करते हैं, और इसीलिए वो प्रायोरिटी लिस्ट में उनके ऊपर है। अब आखिरी में बचा इकारिस, जो कि ह्यूमैनिटी से ज्यादा अपने पर्पस को मानता है, और उसका विश्वास आरिशम के ऊपर सबसे ज्यादा है, और यही विश्वास मेन कॉन्फ्लिक्ट है मूवी का। सो जब मूवी में ये रिवील होता है कि इटर्नल्स का एक्चुअल मिशन क्या होता है, तब ये मूवी सारे कोर फिलॉसफीज को इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन, प्रीडिटरमिनिज्म वर्सेस फ्री विल, ड्यूटी वर्सेस लव, इवोल्यूशन इन लिविंग थिंग्स एंड द ट्रॉली प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करते हैं प्रीडिटरमिनिज्म की। तो प्रीडिटरमिनिज्म एक फिलॉसफी है जिसके मुताबिक सब कुछ प्री प्लान होता है। सो एज ह्यूमन बीइंग हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमारे डिसीजंस को लेके, बस भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ सही होगा। बट ये चीज हमारे फ्री विल को एक इल्यूजन बना देता है। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइन है तो एज ह्यूमंस हमारा कोई भी डिसीजन मैटर ही नहीं करता, और यही सिचुएशन में इटर्नल्स भी आ जाते हैं, जहां उनका ग्रैंड पर्पस टू सेव एक्चुअली में उनका मिशन नहीं था। सो अब इटर्नल्स अपने गॉड के डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे या अपने फ्री विल को यूज करेंगे
मिलेंगी, यही हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जहां सारे इटर्नल्स को जब सच पता चलता है तो उनका रिएक्शन काफी डिफरेंट होता है। अगर हम अजैक और इकारिस को कंसीडरेशन में लें, जो कि ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको शुरू से पता था कि यहां पर क्या चल रहा है, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग होता है। जहां अजैक ओवर टाइम ह्यूमंस और उनके स्पिरिट को एडमायर करने लगती है, वही इकारिस ब्लाइंडली अपने गॉड में यानी कि आरिश्य में बिलीव करता रहा। ड्रीग और फास्टोस ये जानने के बाद ह्यूमैनिटी की मदद करने का सोचते हैं क्योंकि वो लोग बचा सकते हैं। वहीं किंगो खुद को मिडिल ग्राउंड में पाता है, जहां वो ह्यूमैनिटी को पसंद तो करता है लेकिन वो अपने गॉड के खिलाफ नहीं जाना चाहता। जीन पॉल सैट्रे का एक फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस एक्सीड्स एसेंस। यहाँ एसेंस का मतलब होता है पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, एक नाइफ है, उसको बनाने से पहले उस नाइफ का क्रिएटर उसे एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाता है, एक स्पेसिफिक काम के लिए जो कि वो नाइफ करेगा। लाइक एक नाइफ का एसेंस है सब्जी काटना। लेकिन इन ह्यूमंस हमारा मकसद यानी कि हमारा एसेंस चेंज होते रहा है समय टू समय। फॉर एग्जाम्पल, हजारों साल पहले हमारा मोटिव था सर्वाइव करना जानवरों से, लेकिन जैसे जैसे समय बीता हम आर्ट, म्यूजिक, नॉलेज इन सभी चीजों के लिए जीने लगे, टू द पॉइंट कि ये सब पर्सन टू पर्सन अब वैरी करने लगा। सिमिलरली इटर्नल्स भी एक सिंगल पर्पस के साथ, एक सिंगल एसेंस के साथ अर्थ आए थे, जहां उनको डेवियंस को रोकना था और प्रोटेक्ट करना था ह्यूमंस को। लेकिन डेवियंस भी सेलेशियल्स के बने हुए थे सिमिलर टू इटर्नल्स, तो इसीलिए वो भी इवॉल्व किए और अपने फ्री विल को चूज करने लगे। डेवियंस मिरर वर्जन थे इटर्नल्स के, और देखा जाए तो इटर्नल्स मूवी के अंदर डेवियंस बस मोहरे थे सेलेशियल्स के गेम का। और इस मूवी के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी विलन नहीं है, ना ही सेलेशियल्स, ना ही डेवियंस, ना ही ह्यूमैनिटी और ना ही कोई इटर्नल। सारे के सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि मॉरली एक ग्रे एरिया में स्टैंड करते हैं। ये चीज समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, टियामुट जब राइज करेगा तब बिलियंस की मौत हो जाएगी, लेकिन उस वजह से ट्रिलियंस नए स्पीसीज का जन्म होगा, तो क्या टियामुट को रोकना या फिर मारना सही है या गलत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप भी इटर्नल्स के जैसे एक ट्रॉली प्रॉब्लम में फंस गए। ट्रॉली प्रॉब्लम एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, जहां आप एक ट्रेन ट्रैक के पास खड़े हैं और आपके पास एक लीवर है। एक ट्रेन पूरे स्पीड से आ रही है और सामने दो ट्रैक है। एक ट्रैक में एक बंदा फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरे ट्रैक में पांच बंदे फंसे हुए हैं। ट्रेन को रोका नहीं जा सकता और ट्रेन अपने रास्ते जाएगी, और ये आपके हाथ में है कि वो कौन से ट्रैक में जाएगा। जहां यूजुअली लोग एक बंदे की बलि चढ़ा देते हैं पांच लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अगर मैं फिर से यही सवाल पूछूं और आपको ये कहूं कि जो एक बंदा वहां पे फंसा हुआ है वो एक बंदा आपका करीबी है, आप उसको जानते हो, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? फंस गए ना असमंजस में। वैसे ही सिचुएशन में इटर्नल्स भी फंस गए थे, जहां वो क्लियरली जानते थे कि अर्थ का सैक्रिफाइस ग्रेटर गुड के लिए है, लेकिन वो ह्यूमन से कनेक्टेड और उनसे इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे कि डिस्पाइट ह्यूमन फ्लॉज वो उन्हें बचाने के लिए वहां पे लड़ते हैं। इसके बाद जिस थीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लव वर्सेस ड्यूटी, जो कि एक बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करने के लिए हम अगले वीडियो में जाएंगे, ना कि इस वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद भी कुछ और थीम्स रह जाते हैं प्लस कंक्लूजन भी है, तो उन सबको यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो सर्दी में मिलने वाले आलस नाम की सुपर पावर को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस वीडियो में डिस्कस क्रिए गए थीम्स या फिर पॉइंट्स की, जो कि इटर्नल्स मूवी से मिलते हैं, और आप इससे कुछ सीखें या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो ये अभी तक आधी बात ही है, पूरी बात बताऊंगा और कंक्लूजन दूंगा, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहां से नया जानने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक कुछ नया जाने या नहीं, और सेकेंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो अच्छी।